नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि देवी मां दुर्गा की पूजा आराधना का पर्व है। नवरात्रि पर पूरे 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की विशेष पूजा अर्चना होती है। आज नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा मां कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली कानपुर से है और दूसरी प्रयागराज से है, जहां माता को भव्य रूप से सजाया गया है और भक्त पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर प्रयागराज से है, जहां माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त सुबह से ही माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें कि आज के दिन माता कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। खास बात यह है कि माँ को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। कहते हैं माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने ही पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक का सृजन किया था। माँ कुष्मांडा को तेज का प्रतीक माना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से दुख, रोग और शोक का नाश होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में चल रही सारी परेशानियां दूर हो जाती है। और हमारे संवाददाता लखनऊ से है रितेश, हमसे जुड़ेंगे। रितेश, नवरात्रि का आज चौथा दिन है, आप मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें? आपको बता दूं कि माता का जो नवरात्र का पर्व चल रहा है, बहुत पावन पर्व, और ये 9 दिन का जो 9 दिन का नौ देवी का रूप है, ये कहीं ना कहीं एक शुभ देने वाला घड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भक्त हैं वो माँ की पूजा अर्चन करके और माँ को मनाते हैं। कोई जगराते की तरह से मनाता है, कोई माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, कुष्मांडा देवी की आज पूजा और अर्चन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को मनाने से सारी जो जिंदगी में अपनी लाइफ में जो दुख के पल होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो मैं इस समय लखनऊ के जानकीपुरम स्थित भुइयां देवी मंदिर में हूँ। यहाँ मान्यता है, यहाँ पर यदि कोई भी भक्त बना है तो वो यहाँ पर सिद्धि लेकर के जाता है, वो सिद्ध होता है मनोकामना। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, पूरे भारत में माँ का ही वो माँ की ही गाथा गाई जाती है। और एक बात और कहूंगा मयूरी, मैं आपको कि जिस तरीके से नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है उसको लेकर के लखनऊ क्या पूरे भारत में, पूरे विश्व में सभी मंदिरों में माँ का पूजन अर्चन हो रहा है। हम लखनऊ की बात अगर करें तो यहाँ लखनऊ में हमारे पीछे माँ भुइयां देवी का मंदिर है, यहाँ पर माता आ भी रहे हैं, यहाँ पर कुछ भक्त आ भी रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। हम उनसे एक बार पूछेंगे कि एक बच्चा, एक युवक आया है यहाँ पे, आप यहाँ मंदिर में आए हैं पूजन अर्चन करने के लिए, क्या मान्यता लेकर आए? और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ है, हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी ये बताइए, माता का दरबार है यहाँ, ये मंदिर कब बनाया गया? यह मंदिर 18 साल हो गया है, 2006 में मंदिर बनाया गया था। मयूरी देखिए, यहाँ पर कुष्मांडा देवी की पूजन अर्चन के लिए कुछ लोग खड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर पूजन अर्चन किया भी जा रहा है। भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, नवरात्र का चौथा दिन है, आपके पीछे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। जी जी जी, नमस्कार। देखिए इस मंदिर में लगातार कतारें लगी रहती, आज सुबह से मौसम का एक बदलाव हुआ है, बारिश का मौसम लगातार बना रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भक्त अभी पहुंच रहे इस मंदिर में। ये भव्य मंदिर है, माँ भुइयां देवी का मंदिर है, यहाँ लगातार भक्तों की भीड़ लगातार लगी रहती है। केवल दिक्कत उत्पन्न नहीं, और हमारे साथ एक भक्त और जुड़े हैं हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में, बताएंगे। अरे मंदिर जी, ये मंदिर बहुत पुराना है, यहाँ से लोगों की बहुत बड़ी आस्थाएं जुड़ी है और विश्वास तो भाई यहाँ इतना है कि जो भी जो आता है मानता है, मिलता है। मेरा सामने ही घर है, मैं यहाँ से आशीर्वाद लेके अपना मकान बनाना चालू किया और उनकी कृपा से भव्य हमारा मकान बन गया, और सब उनकी दया रहती, सबसे बनी रहती, आने वालों लोग शनिवार और मंगलवार से बहुत भीड़ रहती है, लोग मतलब लाइने लगती है। इस मंदिर का निर्माण कब कराया गया? इस मंदिर का निर्माण करीब जो है 18 साल हो गया, 18 साल पहले हुआ था। तो ऐसी मान्यताएं हैं मयूरी, मैं आपको बताऊं कि ये जानकीपुरम के स्थित भुइयां देवी मंदिर है, माता का मंदिर, यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसके लिए यहाँ पर आते हैं। और अभी समय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, पावन दिन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं माता को मनाने के लिए भक्त यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए यहाँ पूजन अर्चन भी कर रहे हैं।
रितेश, सीएम योगी द्वारा एक पहल की गई कि अब की नवरात्र में सभी मंदिरों में सरस्वती पाठ और दुर्गा पाठ किया जाएगा, उसकी व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है? देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये घोषणा की थी और कहा था कि जितने भी सनातन हिंदू धर्म के जो मंदिर है, मंदिरों में पूजा अर्चन किया जाएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा, अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुत सारे मंदिरों में पाठ भी किए गए। आपके अयोध्या की अगर बात करें तो श्री अयोध्या धाम में भी कई मंदिरों में श्री रामचरित मानस का पाठ हुआ, लगातार 9 दिन चल रहा है। कई जगह ऐसे हैं जो विद्यालय वहां भी चल रहे हैं, कुछ ऐसे सांस्कृतिक स्थल हैं वहां भी लगातार चल रहे हैं। तो फिलहाल ये जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कवायद की थी कि कहीं ना कहीं से सभी लोग जुड़े, क्योंकि अखंड रामायण और आंतरिक मानस पाठ जो हो रहा था उससे कहीं ना कहीं लोग दूर हट रहे थे। तो अब एक जुड़ाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इस बात को अगर कहा है तो कहीं ना कहीं सभी लोग अब जुड़ रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक जो आस्था की लहर अब जगी है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी नींव रखी और अब लगातार लोग रामचरित मानस का पाठ या सुंदर कांड का पाठ अपने घरों में लगा रहे हैं। यदि वो खुद कर सकते हैं तो खुद लगा रहे हैं, वरना वो साउंड के जरिए म्यूजिकल के जरिए वो कहीं ना कहीं पूरे अपने घरों में अपनी आस्था का प्रतीक बनाते हुए और श्री रामचरित मानस का पाठ भी करने लगातार। रितेश, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, मंदिरों में भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, आप मंदिर में मौजूद हैं, भक्तों के लिए कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? रितेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? रितेश, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं, आप मंदिर में मौजूद हैं, मंदिर में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है भक्तों के लिए? देखिए मयूरी, मैंने आपको बताया कि भक्तों का लगातार आना जाना, क्योंकि आज बारिश का माहौल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था ये भी कर रखी है, जहाँ पर भी मंदिर है उस मंदिरों पर पुलिस की व्यवस्था भी की गई है, सीएसपी के बल भी तैनात की गई है। अगर लखनऊ की प्रमुख मंदिरों की बात करें तो अगर भक्ति तालाब मंदिर देखा जाए तो चंद्रिका देवी मंदिर में भी हजारों भक्तों का भीड़ उमड़ा हुआ है, वहां पर भी सीएसपी बल लगाए गए हैं। लखनऊ के बड़ी काली मंदिर में भी इसकी बात अगर की जाए तो वहां भी सीएसपी बल लगाए गए हैं। तो जो भी प्रमुख स्थल है, धार्मिक स्थल है, उन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चौबंद की गई है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है किसी भी तरह की दुर्घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी से पूरे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर है, जितने भी मंदिरों में माँ का पूजन अर्चन 9 दिनों के बीच में हो रहा है, वहाँ पर सात चौबंद व्यवस्था की गई। जी धन्यवाद रितेश हमसे जुड़ने के लिए। माँ माता के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है, भक्त बड़े ही धूमधाम के साथ माता के पर्व नवरात्र को मना रहे हैं। सभी भक्त माता के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए हैं, जिसके चलते मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हम आपको नवरात्रि की तस्वीरों से लगातार रूबरू करवा रहे हैं और दिखा रहे हैं कैसे नवरात्र के पावन पर्व पर भक्त माता के मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है मंदिरों में आज? और सही बात जो इसमें जो मंडल है वो उपेंद्र, सीएम योगी द्वारा सभी मंदिरों में सरस्वती पाठ दुर्गा पाठ कराने के निर्देश दिए गए थे, उसकी व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है मंदिर में?
नवरात्र का चौथा दिन है, बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। कैसी व्यवस्था मंदिर में देखने को मिल रही है भक्तों के लिए? जो भक्तों का जो लगातार दर्शन कर रहे हैं चले जा रहे हैं और बात करके सारे सौ कदम जो है और दर्शन ले रहे हैं। जी, तो हमारे संवाददाता कानपुर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे मंदिर से, जहां माता के भव्य पूजा अर्चना की जा रही है। और उपेंद्र, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर कानपुर से है और दूसरी प्रयागराज से है। बड़े धूमधाम के साथ माता की पूजा अर्चना की जा रही है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज के दिन माता के मां कुष्मांडा रूप में पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। बता दें चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है। नवरात्र के पावन पर्व पर माता के नौ रूपों की भक्त पूजा अर्चना करते हैं और माता की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कानपुर से है पहली तस्वीर जहां माता की पूजा अर्चना की जा रही है और दूसरी प्रयागराज से है जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। बता दें माँ कुष्मांडा की आज के दिन पूजा होती है और भक्त पूजा करने के लिए सुबह से ही माता की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है, भक्त बड़े ही धूमधाम के साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं। बता दें चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़े भव्य तरीके से माता की पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि लोग नौ दिन उपवास रह के माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और माता की विशेष कृपा भी देखने को मिलती है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली कानपुर से है और दूसरी प्रयागराज से है जहां बड़े ही धूमधाम के साथ माता की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन आज है। इस दिन माँ दुर्गा के माँ कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। बता दें कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और माता की कृपा भी देखने को मिलती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने अपनी मंद मुस्कान से पिंड के ब्रह्मांड तक का सृजन इसी स्वरूप से किया था। माँ कुष्मांडा तेज की देवी का प्रतीक है। देवी के कुष्मांडा स्वरूप के दर्शन पूजन से ना सिर्फ रोग शोक का हरण होता है बल्कि यश बल धन से भी वृद्धि होती है। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष, चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है, आप मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? मयूरी, आपको बता दें आज नवरात्रि का चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तस्वीर, यहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी भक्त, और इस समय हम प्रयागराज के एक अलोक संकरी शक्तिपीठ मंदिर में हैं, जहाँ पे जो आपको बताते हैं जिस तरीके से सती के जब अंग जहाँ जहाँ गिरे थे, वस्त्र गिरे थे और आभूषण गिरे थे, तो वहाँ वहाँ शक्ति के मूर्ति आपको स्वरूप देखने को मिलेगा, आकृति देखने को मिलेगा। पर ये जो यहाँ का एक शक्तिपीठ मंदिर है, यहाँ पे एक आपको दिखाते हैं, हम गर्भगृह में जाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे जिस तरीके से, यहाँ पे आप देखेंगे एक खटोला है या कह दीजिए माँ का पलना है। यहाँ पे पलने का स्वरूप है, यहाँ पे माँ की ना कोई मूर्त देखने को मिलेगी ना ही कोई तरह की यहाँ पे चिन्ह देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे एक चबूतरा है, चबूतरे के बीच में एक खटोला नजर आ रहा होगा, उस खटोले में चुनरी बंधी है और जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामना लेके इस खटोले के दर्शन करते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं की माँ की आगे प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि माँ हमारी यहीं पे आके दर्शन करते हैं और इनकी जो जो भी मनोकामना रहती है माँ के यहाँ पे दर्शन करने से
पूरी होती है। हमारे साथ यहाँ के महंत और प्रबंधक श्री महंत यमुनापुरी जी महाराज जी हैं। हम पूछेंगे इस मंदिर की क्या प्राचीनता है और क्या विशेषता है। महाराज जी, जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे कुछ किसी तरीके का मुहूर्त नहीं है और यहाँ पे माँ का एक पल्ला नुमा एक खटोला है, तो क्या है, क्या इसका प्राचीनता है, क्या इसकी विशेषता है? भगवती का यह स्थान 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ है, जहाँ भगवती के हाथ की करांगुलियां और ये पंजा गिरा था और पंजा गिरने के बाद तो जहाँ जहाँ भी जो जो भगवती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुए और वहाँ उनके भैरव भी स्थापित हुए। यहाँ के जो भैरव हैं वो भव नाम से भगवान शिव यहाँ विराजित हैं, जो इधर ललतेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है बगल में ही। यह पालना माता और पुत्रों के मध्य का एक बहुत ही उत्तम संबंध दर्शाता है, ममता और करुणा का संबंध दिखाता है। तो पूरी जगत के जितने भी प्राणी है वो सब उस भगवती माँ आदिशक्ति जगदम्बा के सब बच्चे हैं और इस पालने के अर्थ जैसे अपने बच्चे का माँ अपने पालने में पालन करती है, उसी तरीके से भगवती सभी का पालन पोषण करती है। यह जो वेदी है, वेदी के अंदर एक कुंड है, उसके अंदर श्री यंत्र है, यह मूल श्री महाविद्या का स्थान है और इसके अंदर श्री यंत्र है और इसके ऊपर जो यह पालना है, तो यहीं पर भगवती की उस दिव्य और महान ऊर्जा को भक्त लोग महसूस करते हैं और अपना श्रद्धा सुमन जो भी है वो चढ़ाते हैं और धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ हैं उन सबको प्रदान करने वाली यह भगवती श्री माँ ललिता लोक शंकरी देवी यहाँ प्रतिष्ठित है प्रयागराज में। तो भगवती के यहाँ जो जिस भाव से आता है उसका वह भाव पूर्ण होता है। खासकर जो विवाहित जोड़े आते हैं वो सब यहाँ आशीर्वाद लेते हैं और जिनको संतानें नहीं होती हैं तो पालना मातृत्व का प्रतीक है तो उनको संतान यहाँ अवश्य प्राप्त होती है अगर वो सच्ची श्रद्धा से यहाँ आता है। तो सदियों और क्योंकि यह सतयुग के द्वारा सतयुग में स्थापित यह पीठ है, क्योंकि वो राजा दक्ष ने सतयुग में कभी यज्ञ किया था और वहीं से भगवती का शरीर के जहां जहां सुदर्शन के द्वारा जहां खंड खंड जहां जहां टुकड़े टुकड़े गिरे भगवती के जो जो अंग जहां गिरा वहां वहां यह महान शक्तिपीठ स्थापित हुए। तो पूरी धरती के ऊपर यह है क्या 52 शक्तिपीठ है, उनमें से एक पीठ प्रयाग में अपने यहाँ पर यह स्थित है जो कि अक्षयवट से पश्चिम दिशा में कोस भर की दूरी पर यह स्थित है। देवी पुराण में इसका विधिवत वर्णन है। तो यहाँ पर तो आज मैं सभी को भगवती के स्पीड से नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूँ। सबका जीवन भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो, सबकी नकारात्मकता दूर होकर के एक सुंदर और सकारात्मक ऊर्जा से सब भर जाएं, ममता करुणा वात्सल्य प्रेम आदि सदगुण सबके अंदर आए, हिंसा द्वेष राग छल कपट ये सब दूर हो। यही भगवती की दुर्गा पूजा में जो नवरात्र में की जाती है यही उसका फल होता है और इसी के लिए पूजा की जाती है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मंदिर का प्रबंधन सदियों से दशनाम नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की तरफ से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र पर्व। इस तरीके से महाराज ने बताया कि जहाँ पे ये झूला है उसके नीचे एक जहाँ पे देखा जाए कुंड भी है, कुंड में एक श्री यंत्र है जो जो भी इस कुंड में माँ का नीर लगाता है या जल लगाता है तो उसकी जो भी दुख दरिद्र या किसी या ज्यादा किसी तरीके का कष्ट होता है तो वो जरूर दूर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी माताएं और ये यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेके आ रहे हैं, कोई अपने बच्चे की सुख संपत्ति के लिए, कोई पति की लंबी आयु के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कई कई लोग देखने को मिल रहा है कि माता के यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे कोई माला फूल, कोई जो सुहागने हैं महिला है वो तिकली बिंदी और कुमकुम ये सब इत्यादि माँ को चढ़ा रही हैं। जी आशीष, सीएम योगी द्वारा एक पहल की गई थी कि सभी मंदिरों में सरस्वती पाठ और दुर्गा चालीसा होगा, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है मंदिरों में? देखिए मंदिरों में आपको बता दें जिस तरीके से नवधा के तरू और कहा गया था सीएम योगी की तरफ से जितने भी मंदिर है वहाँ पे राम पाठ और सती चंडी का पाठ और सप्तशती का पाठ होगा, तो उस तरीके का भी प्रबंधन यहाँ किया गया है। सुबह शाम यहाँ पे जहाँ पे पाठ चल रहे हैं ये भी देखने को मिल रहा है, सुबह शाम यहाँ के पाठ चल रहे हैं और भी भक्ति संगीत के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो जागरण हो चाहे वो लोक कला का वो हो, भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी आशीष, जिस तरह से भारी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है मंदिर में?
देखिए यहाँ पे आप देख सकती है कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है, सीसीटीवी कैमरे और किसी को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे महिला सुरक्षा कर्मी भी लगी हैं, किसी तरीके को कोई दिक्कत ना हो तो उसकी पूरी तरीके से व्यवस्था करी गई है। और मंदिर के तरफ से भी व्यवस्था करी, जो भी यहाँ के वॉलंटियर है उनको लगाया गया है और मतलब कि सभी को सुचारू तरीके से दर्शन कराया, किसी को दिक्कत ना हो और दर्शन कराते सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे कई तरीके की सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं कि कोई तरीके से किसी को दिक्कत ना हो। और देखा जाए तो यहाँ पे जो गैलरी बनाई गई है वो कोविड को भी देखते हो कि जिस तरीके से महामारी का भी किसी को तो दिक्कत ना हो, जो कि महामारी 2 साल पहले आपने देखा था जिस तरीके से इतनी फैली हुई थी, तो उसको भी आज भी यहाँ पे मंदिर प्रबंधक की तरफ से पूरी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे बहुत बड़ा गलियारा बनाया गया जिसके उससे होते हुए यहाँ पे भक्तों को आना पड़ता है। जी आशीष, यहाँ क्या वहाँ मौजूद भक्तों से बातचीत हो सकती है, उनकी क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर को लेकर? जी मैं हमारे साथ एक महिला श्रद्धालु हैं, हम इनसे बात करेंगे। पता जी यहाँ पे ये देख रही है ये आलोक संक्रिय शक्तिपीठ मंदिर है, तो क्या मान्यता है, क्या कहना चाहेंगी? इनकी मान्यता तो ये है कि आलोक संक्रिय आलोक शक्ति मैया की मान्यता तो बहुत है, दूर दूर से लोग आते हैं। एक शक्ति पीठ है, यहाँ पर आके आलोक हो गई थी माता, इसीलिए मूर्ति कोई नहीं है, झूला है उनका। और सब लोग आते हैं, मान्यता मांगते हैं, पूरी भी होती है, इसीलिए श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ होती है और रात्र में तो खास करके बहुत ज्यादा भीड़। जिस तरीके से नवरात्रि के दिनों में माता के दर्शन पूजन और आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी से बात करें कि जिस तरीके से नवरात्रि के दिनों में महाराज जी क्या भक्तों को यहाँ पूजा आराधना की क्या विशेष फल मिलता है? जी देखिए नवरात्रि में यहाँ भगवती का सहस्रार्चन होता है, षोडशोपचार से पूजा होती है, न जाने कितने साधक भारतवर्ष से ही नहीं अभी तो भारत बाहर से भी आते हैं, विदेशों से भी, और अपने अपने यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और उनकी कामना जो जो होती है वो उनकी पूरी होती है। और अब की बार तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि और भगवती के स्त्रोत्र आदि संकीर्तन की भी एक व्यवस्था, अच्छी पहल कहेंगे सर, ये अच्छी पहल कहेंगे, ये बहुत अच्छी पहल है और हमारी इससे अपनी संस्कृति मजबूत होती है, भारतीय परंपरा है और इसमें लोगों के अंदर एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है, क्योंकि सबका शुभ इसी में है, सबका कल्याण इसी में है, इसलिए जो यह पहल है ये बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है और मैं इसकी बहुत बहुत गवर्नमेंट को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरीके से महाराज जी ने बताया जो ये सीएम योगी द्वारा जो ये पहल की गई है, जितने भी मंदिर है वहाँ पे शक्ति चंडी पाठ और सप्तशती का पाठ यहाँ किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी देखा जाए अपनी संस्कृति को लोगों के बीच लाने की एक बड़ी पहल है। जी तो हमारे संवाददाता प्रयागराज से आशीष भट्ट आपको माता रानी के लाइव दर्शन करवा रहे थे। कैसे आपने देखा कि भारी संख्या में भक्त माता की पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए हैं। आशीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अभी के लिए हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।